हैप्पी बर्थडे माय स्वीट सिस्टर। भाई ये क्या, सिर्फ 500 रुपए? एक तो आप आए इतने लेट हैं, सारे मेहमान चले गए और सिर्फ 500? अच्छा ही हुआ है वैसे सारे मेहमान चले गए, वरना लोग क्या सोचते कि एक मिल ऑनर की जो बेगम है उसको उसके भाई ने सिर्फ 500 रुपए दिए उसकी बर्थडे पे। हैप्पी, आप जानती तो है कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ और जब तक मुझे फैक्ट्री से छुट्टी होती है सब दुकानें बंद हो जाती हैं। बस इसीलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सका। जो भी है भाई, अगली दफ़ा कोई ब्रांडेड गिफ्ट दीजिएगा, ब्रांडेड सूट, कोई अच्छा सा गिफ्ट दीजिएगा मुझे। फिलहाल आप ऐसा करें कि आप ना ये 500 ले जाएं, आपकी बाइक मेरे पेट्रोल डलवाने के काम आएगा। अस्मा, तुम्हें अपने भाई से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता तो है उनके हालातों का। वो तुम्हें खुशी से जो भी दे रहे थे ना, तुम चुप करके रख लेती। अच्छा प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाइए। एक तो पहले भाई की वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया है। ओहो साजिद, बस भी करें आप तो मुंह बुला के बैठ गए हैं। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं किसी ख्वाहिश का इजहार कर सकूं अपने भाई के साथ? आखिर उनकी इकलौती बहन हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? बात हक की नहीं है अस्मा, बात एहसास करने की है। मुझे पता है कि तुम उनकी इकलौती बहन हो, मगर तुम उनके हालात को नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? तुम्हें रिश्तों का एहसास होना चाहिए, उनकी कदर होनी चाहिए। मैं पैसे से क्या कुछ नहीं खरीद सकता? अगर कुछ नहीं खरीद सकता तो मैं अपने बहन भाई की खुशियां नहीं खरीद सकता, उनके साथ वो पल नहीं खरीद सकता जो मैंने बचपन में उनके साथ गुजारे। प्लीज कदर करो उन रिश्तों की, उन जज्बात की कदर करो। अब्दुल्ला भाई के जितने भी हालात हैं, अगर तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? मैं बस यही कहूंगा कि तुम अब्दुल्ला भाई से इस तरीके से बात ना किया करो, प्लीज। ओह खुदाया साजिद, प्लीज बस ही कर दो। पूरी हकूकुल बात की किताब खोल डाली है मेरे आगे, इतना लेक्चर, हर बात में लेक्चर। आपने तो इतना भी ख्याल नहीं किया कि आज मेरी बर्थडे है। सो प्लीज लाइट्स बंद करें, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है, सोना है मुझे। ये देख लें, 12 बज गए हैं। भाई ने ब्रांडेड सूट तो क्या है गिफ्ट देना था, अभी तक आए भी नहीं है। अरे ये फोन किसका आ रहा है? हाँ पिक करो। हेलो, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? तो मेरा भाई, ये नहीं हो सकता साजिद। हेलो, लेकिन कैसे? अस्मा, मुझे आप समझाइए कि चीजों की कदर नहीं होती, रिश्तों की होती है। अस्मा रिलैक्स प्लीज, अब हम बहुत देर हो चुकी है अस्मा। काश ये सब बातें तुम पहले ही समझ जाती जब मैं तुम्हें समझाता था। काश ये एहसास तुम्हें अब्दुल्ला भाई की जिंदगी में हो जाता ना, तो अब तुम्हें ये पछतावा ना होता। लेकिन तुमने ना हमेशा रिश्तों पर चीजों को ज्यादा अहमियत दी है। काश तुम पहले ही समझ जाते।